यारो और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो क्या हाल है यारो, अभी सवेरे के ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और आज हम लोग आए हैं फिशिंग करने के लिए नदी के अंदर, क्योंकि नदी के अंदर पानी सूख गया है, कहीं कहीं पानी रुका है, जो हल्के गड्ढे कूढ़ा टाइप का नहीं रह जाता, पानी स्टोर हो जाता है, जहाँ निकलने के चांस नहीं रह जाते हैं वही पानी रुक गया। तो हम लोग आए हैं सेवखा से मछली मारने के लिए। सेवखा एक ट्रेडिशनल नेट फिशिंग कह सकते हैं। उसे बनाने के लिए आपको पहले मार्केट से रेशम मौसम लाना रहता है, जिनको आता है वो बना देते हैं बढ़िया, सूट काट के बढ़िया से बीना जाते हैं। उसे बीनने के बाद उसमें चारों तरफ मतलब किनारे किनारे सर्कल में लोहे की गीट लगाई जाती है। जब ऐसे फेंकोगे साँस ऐसे पानी झील के अंदर, पानी के अंदर, नदी के अंदर, तो जो गिट्टी रहती है लोहे वाली वो पानी में डूब जाता है। फिर से तुम जैसे तुमको सांस लेना ज़्यादा आता है तो पानी के अंदर डूब गए मतलब सांस रोक के, फिर वहाँ जाल चारों तरफ नहीं बैठ जाता है, उसे हफलाओगे मतलब ढूंढोगे कहाँ मछली है, जाल के अंदर फंसी है कि नहीं। वही हम लोग आए हैं आज फिशिंग करने के लिए, तो चलते हैं। काफ़ी ढेर सारे लोग आए हैं, मतलब 7-8 लोग हम लोग आए हैं अपने ग्रुप में, भाई चाचा बुआ और फूफा भी आए हैं और कई सारे लोग आए हैं गांव वाले, मतलब मछलियाँ मारे हैं, आसपास के गांव वाले भी झील के अंदर नदी के अंदर आए हैं मछलियाँ मारने के लिए। तो चलो चलते हैं आज कितनी मछलियाँ हम लोगों को मिलती है यारों, और झील के अंदर घुस के मछलियाँ मारते से होकर से। तो ये है सामने अपनी बुआ जी हैं, बुआ जी ये पखाई काच रही हैं, पखाई से बुआ जी मछली मारेंगी और हम लोग मारेंगे सेवखा से मछली। वहाँ देखो अपने ग्रुप वाले वहाँ करें, भाई है चाचा फूफा सब वहाँ, दादाजी भी सब साथ में है। तो चलो चलते हैं और मिलके मछलियाँ मारते हैं यारो। देखो यार वो देखो वहाँ पे सब मछलियाँ मार रहे हैं अपने ग्रुप वाले, और इतना पानी हम लोग पार करके आए हैं, यहाँ पे किसी का जान है लगाया है। कहाँ पे जाल है? यहीं पे है। हम लोग सेवखा से मछली मार रहे हैं। ये देखो एक मिल चुका है, ये ढेबरी है और ये जो देख पा रहे हो ये पिचिया है। अभी चाचा जी को छेद दिया है, इनका जो टाँक होता नहीं ये वाला, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बड़ा खतरनाक होता है, और ये गिरई है। ये मछली खाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा लजीज है। तो चलो चलते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। हम लोग इतना ढेर मछली, ये देखो यार ये सब जो देख पा रहे हो आप, ये गिरे हैं क्या? ये सब सेवरक बच्चे हैं, देखो क्या खूबसूरत जीवाई लगा। ये देखो एक ही बार में सब आ गए हैं, देख के मजा आ गया। देखो सेवर का बच्चा, यहाँ रखना किनारे पिछिया लाए हैं, पिछिया। वरना भाग जाई। पिछिया। ये भाग यहाँ किनारे वाल यहाँ करा। ये देखो पिछिया। जो इनका देख पा रहे हो ये वाला, ये हिस्सा, ये वाला इससे लगता है तो भाई वाट लगा देते हैं लोग।
यारो हम लोग सवेरे गए थे मछली मारने सेवका से, आपने पीछे देखा होगा हम लोग सेवका से मछली मार रहे थे और इतनी भरी दोपहर की मछली मार रहे थे। हम लोग गए थे सवेरे 10 बजे और अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं भाई। और भाई हम लोगों के मछली मारते करीब 5.5 घंटे हो गए और इस 5.5 घंटे में इतनी गर्मी में लोग मछली मार रहे थे भाई, पूछो मत, हालत खराब हो गया मछली मारते मारते, क्योंकि इतना ज्यादा धूप था और धूप में भाई पानी भी खत्म हो गया, प्यास भी लगने लगी, भूख भी लगने लगा, सब कुछ लगने लगा। तो हम लोग मछली मार के भी वापिस आ रहे हैं भाई, सबको भाई सब थक गए भाई, इतना ज्यादा खुजा रहा है भाई, इतना गंदा पानी, पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी जब रुक जाता है, जो पानी जहाँ रुक जाता है ना वो पानी काफी गंदा हो जाता है, उसमें काफी ज्यादा शरीर में खुजली हो रही है पूरा, क्योंकि पूरा डूबे थे पानी के अंदर मछली मार रहे थे। लेकिन कुछ भी कहो मछली मारते हैं काफी मजा आया, फर्स्ट टाइम इतना एंजॉय किया मछली मारते हुए, सेवखा से ट्रेडिशनल सेवखा नेट फिशिंग कर रहे थे हम लोग और काफी मोटे मोटे हम लोगों ने मछलियां मारा है, स्पेशली मारा है गिरई, पतरा, पीची और एक सेवरा भी मिला है। और जो गिरई है जैसे ये जबर जबर गिरई मिल रहे थे जैसे सेवरा, तो काफी मजा आया। 8 लोग गए थे मछलियां मारने के लिए, तो अभी चल रहे हैं भाई घर पे, थकान ज्यादा लगने लगी है तो अभी घर जाएंगे नहाएंगे। और हम लोग जो भी है 6-8 लोग है ना, जितने मछलियां हम लोगों ने मारी है उसका भाई बंटवारा करेंगे, सब लोग अपने अपने घर लेके जाएंगे, फिर बनाएंगे खाएंगे सब लोग मस्त शाम को पियेंगे। तो चलो फटाफट घर पहुंचते हैं और फ्रेश होते हैं यारो।